So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो और आज हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई इस चीज की. लिटरली बहुत ही ज्यादा हमने कल वीडियो बनाई थी हसबी रबी वाले एक आई थिंक हाँ सैमी यूसुफ जी की, तो उस पे भी रिएक्शन है और हमें मतलब लिंक्स बहुत ज्यादा आए हैं. मतलब इस वीडियो के लिए नहीं आए हैं लेकिन जो इससे जवाब मिनट की लंबी थी वीडियो 48 मिनट की, उस पे लिया है. तो ये छोटी सी क्लिप मैंने देख ली एक, तो इस पे रिएक्शन करते हैं कि कुरान रेसिटेशन है ना. मतलब जैसे कि आप सभी को कहा है कि जो मतलब म्यूजिक रिलेटेड वीडियोस होंगी, नात नुहा मन का बात, वो हम इस चैनल पे करेंगे. बाकी ये जो कुरान रिलेटेड या कुछ भी ऐसे बयान जो कुछ भी हम दूसरे चैनल पे करेंगे. सो ये चीज एक मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ. सो दैट फिर आप वो चैनल देख लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि वहीं से ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं. सो आज फिलहाल इसको यहीं पे कर देते हैं. नेक्स्ट जो भी वीडियोस होंगी अपने सजेशंस वहां दें, ठीक है. सो इनक्रेडिबल एंड इमोशनल कुरान रेसिटेशन. सो देखते हैं, होगी तो ये काफी लंबी लेकिन ये शॉर्टेस्ट पार्ट बताया होगा उसका. सो सुनते हैं और बाकी फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. सो लास्ट तक जरूर देखना. बस ये नहीं किया तो कुरान की रेसिटेशन इन्होंने फिर उर्दू अरेबिक लैंग्वेज में करी होगी यार, शायद सब टाइटल्स दिए होने चाहिए ना, तो वो हम पढ़ सके. अदरवाइज बाकी देखते हैं, फील ही होगा ज्यादा नहीं तो. सो करें प्ले. और रिक्वेस्ट भी इन्हीं की आई थी, अब्दुल रहमान अल ओसी जी की. आई थिंक ये बहुत अच्छे से रेसिटेशन करते हैं, पढ़ते हैं इस चीज को. सो भी तो भी आप सभी लोग पसंद करते हो. आई थिंक नीचे सब टाइटल्स दिए हुए हैं, लग तो ऐसा रहा है ना. हाँ दिए. सो बाकी यहाँ से हम समझ लेंगे. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء मेरे ख्याल से ना ऐसे ये क़यामत का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे को महसूस हो रहा है. यहाँ पे वर्ड्स नीचे लिखे समझ आ रहे हैं कि अल्लाह मतलब एक बार ही, मतलब जैसे हॉर्न ब्लो होता है ना गाड़ी का, वैसे एक बार ही आवाज़ आएगी धमाके की और सभी जो धरती माउंटेन्स पहाड़ हैं वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर लिए जाएंगे और क़यामत का सॉरी हेवन का दरवाज़ा खुल जाएगा फिर वहाँ पे कि जो हेवन में जाने लायक है वो हेवन में जाएंगे और जो बाकी दूसरी दुनिया में जहन्नम में जाने लायक है वो वहां पे जाएंगे, है ना. सो मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है और आई थिंक ये बीच से कहीं से उठाया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का नहीं होगा, बीच का होगा सबसे इमोशनल पार्ट. तो उसी का जिक्र कर रहे हैं ये. सो बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं और जो जो हमें समझ आते जाएगा वो हम बताते जाएंगे. बाकी
इन शॉर्ट अगर आप पूरे मतलब इसका 8 मिनट की ये वीडियो है, इसका अगर आप इन शॉर्ट हमें बता सकते हो कमेंट्स में तो जरूर बताना। अगर हमें पता होगा बता देंगे हम कुछ, तब भी बता देना, नहीं होगा तब भी बता देना, क्योंकि समझ तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ वर्ड्स। सो आगे प्ले करते हैं। जजमेंट का दिन मतलब है ना कि जो आपने किया जो भी नहीं किया, वैसे जैसे हम बयान सुन चुके हैं द डे ऑफ जजमेंट पहले ना, वही चीज यहाँ पे दोहरा रहे हैं। قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. मैं तो लिटरली इसमें खो गई सच्ची. मैंने मुझे इतना ज़्यादा इतना सुकून सा मिल रहा है इसको सुन के ना सच में. आपने वो आपके सही बात और ना कयामत की बात कर रही हैं उन्हीं उसी की मैंने बात की है इसमें. और मतलब क्या बोलते मतलब मेरा पता क्या मन कर रहा था कि इसको इनको ना मतलब इस चीज़ को आंखें बंद करके सुना जाए. इतना ज़्यादा फील होता है वो हम कर नहीं सकते थे क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा ध्यान दे भी रहा था ऐसे मतलब ऐसी बात नहीं है. पर ये कि फिर वो सबटाइटल्स निकल जाएंगे हमें समझ नहीं आएगी कि क्या कहा है ना वही चीज कही है क्या मतलब बारे में ये कमेंट्स आएंगे कि आप सो रहे हो वीडियो में. हां द डे ऑफ जजमेंट ये यार फील करने की चीजें और इस चैनल पे मैं वही चीजें करता हूं जिसको फील कर चुके सके चाहे हम नात हो नो हो ना फील करने वाली चीजें हैं मतलब पूरे इमोशंस वाली. सो ये थी जब अल्लाह वो ज्यादा तब रोए जब वो वाला लाइन आई कि अल्लाह जब मुझे है ना मेरे बोलेंगे कि इसने अच्छे काम किए तो इसके साथ ये करो ना बुरे काम किए तो इसके साथ ये करो ना. सही बात है ना मतलब वहाँ जहन्नम में डाल देंगे और वहाँ से फिर निकलना मुश्किल ही हो जाएगा मतलब निकल ही नहीं पाएंगे. सो ये थी कुरान की रेसिटेशन जो हमने छोटी सी करी है. इनक्रेडिबल बहुत ही कमाल की वॉइस है इनकी अल ओसी जी की है ना बहुत ही मतलब इमोशनल कर देती है गूज़बम्प्स ले आती है इनकी जो वॉइस है साथ में बोल रहे थे साथ में इनकी मतलब जो रोने की आवाज़ थी पीछे पीछे वो एक अंदर से हमें भी वो दे रही थी है ना कि गूज़बम्प्स दे रही थी. सो आप सभी बताना आपको कैसी लगी वीडियो और वीडियो चाहते हो ऐसी तो जरूर कमेंट करके बताना वो हम दूसरे चैनल पे करेंगे इस पे कर देंगे वो देख लेंगे. बस आप ये है कि अपनी रिक्वेस्ट बताते जाओ वो हम डिसाइड करके डालते रहेंगे. जिन्होंने वीडियो यहां तक देखी है बहुत 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 बड़ा थैंक यू. जिन्होंने आगे देखी उनके लिए भी. सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.